बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपीपीसी एसएसआईटी का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट में हमने 19 क्वेश्चंस कवर किए थे और इसमें बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं कोशिश करते हैं कि सारे के सारे हम कवर करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, द टर्म डेटा वेयर हाउस वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाई। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, बेल एनमन। क्वेश्चन नंबर 21, आईपी सिक्योरिटी ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 22, द पीआईडी ऑफ द कर्नल प्रोसेस इज। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, जीरो। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन ऑलमोस्ट रिजम्बल्स एन अरिथमेटिक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, एंड। एंड 24, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट कैन बी एड्रेस्ड बाय इंटेल 8085। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, 256। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज क्लोजली रिलेटेड टू जावा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, सी हैश और सी शार्प डॉट नेट। क्वेश्चन नंबर 26, ये इजी है, क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, एपिसिम कैन रिकग्नाइज। एपिसिम जो है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली रेगुलर ग्रामर रिकग्नाइज करता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 है, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन माइक्रो प्रोसेसर्स इज। माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ये है ऑप्शन सी, CPM। और क्वेश्चन नंबर 29 है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम बिटवीन 100 and 999 बोथ इनक्लूसिव विल नॉट कंटेन द डिजिट 7 इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 18/25। और इसका सलूशन मैंने पिछले वीडियो में दिया था, पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बहुत सारे एरर्स भी थे, लेकिन इसमें इसका सलूशन जो है वो मैंने अपलोड किया था। क्वेश्चन नंबर 30, नैंड फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड वेयर एफ वी मल्टीप्लाई, ऑप्शन डी, इन्वर्टर एट द आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस आर नॉट द सिस्टम कॉल्स। तो इसमें ये तीन जो है सिस्टम कॉल्स है और ये ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, गेट सी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ फॉर्मल डिफिनीशन सच इज अ कोबोल लेआउट आर डेटाबेस स्कीमा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है क्लासिकल मेटा डेटा, ऑप्शन सी, क्लासिकल मेटा डेटा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एंड द सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, मेटा डेटा। और जावा कंपाइलर एनकोड द सोर्स फाइल इनटू। क्वेश्चन नंबर 35, द स्कोप ऑफ अ फंक्शन इज लिमिटेड टू। तो ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसका आंसर जो है मैंने बहुत जगहों पे ढूंढा लेकिन कुछ ही जगहों पे होल फाइल ये मिला। एनीवे आप इसको कंफर्म करें, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरे ख्याल में। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर जावा फ्रेमवर्क। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, स्प्रिंग। 37, 11 कैश आर टिपिकली। तो ये 1 से लेकर 64 तक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, 64 के। क्वेश्चन नंबर 38,
appropriate internet service used to access your office computer at home is option D, इसमें करेक्ट है, telnet. 39, storage class defines. तो storage class जो है ये define करता है scope को, option B. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, द स्कोप. क्वेश्चन नंबर 40, इन ब्रॉड सेंस अ रेलवे ट्रैक इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द ग्रामर. तो ये ग्रामर दिया गया है और इसमें जो है ये कहता है कि टू गेट अ स्ट्रिंग ऑफ अ टर्मिनल द नंबर ऑफ प्रोडक्शंस टू बी यूज एज, तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन डी, 2n-1. क्वेश्चन नंबर 42, बेरी बोहम ओरिजिनली प्रपोज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, स्पाइरल मॉडल. कोकोमो इसने डेवलप किया था और यहाँ पर प्रपोज जो है ये स्पाइरल मॉडल है. क्वेश्चन नंबर 43, फॉलोइंग डिवाइस इज यूज वेन वी वॉन्ट टू कनेक्ट सिमिलर लैन हैविंग सिमिलर प्रोटोकॉल, जब सिमिलर प्रोटोकॉल है तो यहाँ पर हम ब्रिजेस यूज करते हैं, ब्रिज, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, और जब डिफरेंट प्रोटोकॉल है तो हम वहाँ पर गेटवे यूज करते हैं. 44, आर्पानेट नेटवर्क यूजेस विच टाइप ऑफ राउटिंग, तो इसमें एडाप्टिव ये ठीक है, ऑप्शन बी ये भी ठीक है, तो डायनामिक आर एडाप्टिव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायनामिक आर एडाप्टिव. क्वेश्चन नंबर 45, द क्लॉक स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, तो ये हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज आर हर्ट्ज, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है.